हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने वादा किया था कि अगला लेक्चर डू वाइल पे होगा, तो आज का लेक्चर हम लोगों का डू वाइल लूप। तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे प्रोग्राम में और कैसे रियल लाइफ में हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो सबसे पहले डू वाइल एक्चुअली मतलब क्या हुआ हिंदी में? सिंपल से इसको दो अलग अलग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला वर्ड है डू, फिर वाइल, मतलब तब तक काम करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे फॉल्स हो जाए वैसे टास्क बंद कर दो। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डू वाइल भी एक इटरेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि हम लोग की व्हाइल लूप था, और ये काम कैसे कर रहा था। डू व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो एटलीस्ट वंस तो एक्सिक्यूट हो गई, मतलब एक बार अपनी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है एक्सिक्यूट करता है। फिर उसके आगे क्या होता है, उसके आगे कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप इटरेट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप इटरेट आगे नहीं होगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसी वजह से इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। मतलब जब हम लोग लूप में एंटर हो रहे होते हैं उस समय कोई कंडीशन चेक नहीं होती, मतलब जैसे एंटर हो गए वैसे जो उसकी स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाएंगी, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप चले, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे जब हम लोग किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में या किसी क्लब में जाते हैं तो उस क्लब में जाते समय हम लोगों की चेकिंग होती है, यानी कि एंट्री पे चेकिंग होती है, इसीलिए वाइल को एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। मगर जब हम लोग किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो वहां पे एग्जिट चेकिंग होती है, जैसे कि डू वाइल लूप, इसीलिए इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। सो अब इसका सिंटैक्स क्या हुआ, मतलब प्रोग्राम में लिखेंगे किस तरीके से? इसका सिंटैक्स सिंपल सा सिंटैक्स है, डू फिर अपने आ जाती है जो स्टेटमेंट्स जो डू एग्जीक्यूट करेगा, और फिर इसके बाद वाइल, और उसके अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो कि हर बार चेक होगी। यही एक ऐसा लूप होता है जिसमें सेमीकोलन कंपलसरी होता है एट द एंड। तो कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल से इसका एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है डू व्हाइल, किस तरीके से हम लोग रियल लाइफ में इसके यूजेस देख सकते हो। जैसे अभी ये हम लोगों का नया सेशन का टाइम है, नए सेशन के टाइम पे हम लोगों की नई नई बुक्स आ रही होती है। तो अब नई नई बुक्स आएंगी तो हम लोग उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग किसी भी नई बुक देखते हैं तो बाहर से देखने में तो सब अच्छी लगती है, फिर हम लोग उन बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, हम लोग उठाते हैं और पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना चालू किया, अगर इंटरेस्ट आया तो हम लोग उस बुक को पढ़ेंगे, और अगर इंटरेस्ट नहीं आया तो क्या होगा, लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। यही तो डू वाइल का काम है, एक बार बुक को उठा के देखना तो है ही, मतलब एक बार हम लोगों की जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट तो होंगी। अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो बुक पूरी पढ़ी डालेगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो लूप वहीं पे टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब एक बार स्टेटमेंट चलनी ही चलनी है। यही डू वाइल कहता है, बट अभी भी कंफ्यूजन होंगी डू वाइल। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे जब आप चाहे मेल हो या फीमेल, जब आप एक नई लव जर्नी चालू हो रही होती है तो आप उस चैटिंग फेज में होते हैं। तो जब आप उस चैटिंग फेज से गुजर रहे होते हैं तो या तो आप या तो सामने वाला, दोनों लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या तो आप पहले मैसेज करें या तो वो पहले मैसेज करें, कोई को तो स्टार्टिंग करनी पड़ती। तो अगर आपने पहले मैसेज किया और उधर से रिप्लाई आ गया तो चैटिंग का लूप स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो चलता ही रहेगा, और अगर आपने मैसेज किया और उधर से रिप्लाई नहीं आया तो लूप वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा उस वक्त के लिए। अगर बाद में रिप्लाई आता है फिर वो बात की बात है, मतलब एक बार तो आपको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, चाहे आपने चाहे वो सामने वाला पर्सन। यही तो डू वाइल का काम है, मतलब एक बार तो हम लोगों की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ही होगी, मतलब एक बार तो हम लोगों को मैसेज ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अगर मैसेज हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, उधर से रिप्लाई आ गया तो बातों का सिलसिला चालू हो जाएगा, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो बातों का सिलसिला वहीं पे थम जाएगा। यही डू वाइल कहता है। अब हम लोगों ने थोड़े एग्जांपल भी देख लिए, कुछ इंटरेस्टिंग थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो गया, बट ये तो हो गया, समझ तो आ गया डू वाइल क्या होता है, बट एक्चुअली कोड कैसे लिखा जाए इसका, हम लोगों को करनी तो आफ्टर ऑल प्रोग्रामिंग है। तो अब कुछ एक्सरसाइज इसकी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहला टास्क हम लोग क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट डिजिट्स इन अ गिवन नंबर। जैसे एक ये हम लोगों का एक गिवन नंबर है, अब हम लोगों को पता करना है कि ये कितने डिजिट का नंबर है। अब जैसे देखने में हम लोगों को पता चला है 6 डिजिट नंबर है, बट कंपाइलर देखेगा थोड़े, उसे तो एक एल्गोरिथम चाहिए जिसके बेसिस वो गिनेगा कि इसमें कितने नंबर है। तो कैसे पता करें कि इसमें कितने नंबर है, तो पता करने के लिए जैसे हम लोगों ने पिछले वाइल लूप के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग सिंपली एक नंबर को 10 से डिवाइड करते थे तो वो हर बार छोटा होता जाता, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। देखिए जैसे हम लोग अगर हम इस नंबर को हर बार 10 से डिवाइड करें, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले ये 5 डिजिट का बना, फिर 4 डिजिट का बनता है, फिर इसके बाद 3 डिजिट का हो गया, फिर 2, इसके बाद फिर 1, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। देखो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 0, जब 0 जब हो जाएगा ये भी तो एक आइटरेशन हुई, तो 6, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, यानी कि 6 डिजिट नंबर, बट समझ नहीं आया होगा अभी। सो देखो जैसे अगर हम इस गिवन नंबर को जैसे 10 से डिवाइड किया, फिर जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका ये
जो आखिरी वाला नंबर है ये हटा के नहीं रहा, तो हम लोग केवल क्वेश्चन लिख के लाए कि नहीं लिख के लाए, तो 25648। फिर जब इस 25648 को हम लोगों ने फिर से 10 से डिवाइड किया, जब 10 से डिवाइड किया तो ये आखिरी वाली डिजिट फिर से हट गई, 2564 आ गया। फिर से हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो फिर से लास्ट डिजिट हट गई, फिर 10 से डिवाइड किया फिर 25 हुआ, फिर 10 से डिवाइड किया फिर 2 हुआ, फिर 10 से डिवाइड किया, आफ्टर ऑल जो हम लोग का नंबर था वो क्या हो गया, 0 हो गया। ओरिजिनल नंबर में हम लोग ये वैल्यू थी, नंबर छोटा होते होते क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कब तक हम लोग लूप चलाएं, जब तक वो नंबर 0 ना हो जाए। बट यहां पे क्या हो रहा है, हर बार जो उसकी लास्ट डिजिट है वो हटती जा रही है, हटती जा रही है, कब तक हटाएंगे, जब तक नंबर 0 ना जाए। बट एक बात और ध्यान देखिए, जो हम लोग काउंट वेरिएबल की वैल्यू थी उससे हम लोग हर बार बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखो, अब यहां से यहां तक सारी वैल्यू काउंट करो कितनी हुई, ये हुई 6। यही तो हम लोगों का आंसर था, ये एक सिक्स डिजिट नंबर था कि नहीं था। हर बार उस नंबर को छोटा करते जाओ और अपना काउंट वेरिएबल बढ़ाते जाओ, सिंपल सा टास्क है। कंपाइलर में चल के देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट होना है। सो चलते हैं कंपाइलर में। अब इसमें हम लोग क्या करना है, अब इसमें हम लोगों को डिजिट काउंट करनी है। तो डिजिट काउंट कैसे होंगी देखते हैं। सबसे पहला काम है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम लोगों को कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, एक चाहिए जो की वैल्यू स्टोर करेगा नंबर की, और एक वेरिएबल होगा जो की नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेगा। सिंपल सा टास्क है। तो सबसे पहले डिजिट टाइप के दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक नाम ले लेते हैं और एक क्या है, सिंपल सा काउंट, जिसको हम लोग 0 से इनिशिएट करते हैं क्योंकि हर बार इसे इंक्रीमेंट होना है, तो 0 से इनिशिएट कर दिया। इसके बाद टास्क क्या है, अब यूजर से इनपुट करा देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले यूजर को पता चले कि यूजर को वैल्यू किस चीज की डालनी है, तो हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, यूजर नंबर एंटर कर देगा और फिर स्कैन एफ स्टेटमेंट लगाते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी ampersand now। सो यूजर ने वैल्यू डाल दी। अब यूजर वैल्यू डालने के बाद क्या करना है, अब हम लोग अपना लूप चलाते हैं, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में सबसे पहले स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहला काम है हम लोगों को जो हम लोग अपना नम है उसे छोटा कर देते हैं। तो नम छोटा कर होगा नम इक्वल टू नम डिवाइड 10, या तो ऐसे लिख सकते हैं या हम लोग इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। हम लोगों ने जो असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, नम डिवाइड इक्वल्स टू 10, मतलब दोनों स्टेटमेंट का सेम ही है, लिख हम लोग दोनों तरीके से सकते हैं। बस ये बाद वाली जो लाइन है वो थोड़ी, अब तुम कोडिंग कर रहे हो ना तो कुछ अलग करोगे, अच्छा लगता है देखने में, और कुछ नहीं, दोनों का काम एक ही है। फिर नेक्स्ट लाइन, अब हम लोग काउंट को भी इंक्रीज कर देते हैं, काउंट प्लस प्लस, काउंट इंक्रीमेंट हो गया। इसके बाद क्या काम करना है, अपना नम छोटा हो गया और काउंट बढ़ गया, बस यही तो टास्क था। इसके बाद अब आती है कंडीशन, डू व्हाइल लूप चलेगा कब तक, डू व्हाइल लूप कब तक चलाना हम लोग, जब तक जो नम की वैल्यू है वो 0 से बड़ी रहे तब तक चलाते, मतलब जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाते। या तो ये नम में कंडीशन आ सकती है, या क्या कंडीशन आ सकती है, जब तक नम जो है तुम्हारा वो नॉट इक्वल टू, जब तक तुम्हारा नम नॉट इक्वल टू 0 है तब तक तुम इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वाइल लूप में रख दो, काम दोनों का सेम ही है। अब हम लोग वैल्यू प्रिंट करा देते हैं कि नंबर कितने डिजिट का था, तो इट इज अ परसेंटेज डी डिजिट नंबर, ओके। अब परसेंटेज जो डी हम लोगों ने लिखा है उसकी जगह क्या वैल्यू है, उसकी जगह वैल्यू आनी है काउंट, तो काउंट की वैल्यू उसकी जगह आ जाएगी। अब हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। सो हियर इट इज, अब सबसे पहले काम हम लोगों का नंबर डालना, जैसे हम लोगों ने नंबर डाल दिया, ये नंबर डाल दिया, 5 डिजिट नंबर है, क्या आउटपुट क्या आना चाहिए, इट इज अ 5 डिजिट नंबर, सिंपल सा टास्क। ये प्रोग्राम लोगों का काउंट कर देगा कि कितने डिजिट का एक गिवन नंबर है। So, देखा आपने किस तरीके से हम लोग इसका कोड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। तो जैसे अभी हम लोग ने वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला देखा था कि रिप्लाई आता है कि नहीं आता है, अब उसी पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट अस सी प्रोग्राम टू फाइंड दैट द पर्सन रिप्लाई टू योर मैसेज और नॉट। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा एक सिंपल सा टास्क है, तुम यूजर से पूछ लो कि रिप्लाई आया है कि नहीं आया। अगर यूजर ने कहा यस तो मैसेज प्रिंट कर दो रिप्लाइड, अगर यूजर ने कहा नो तो वहीं पे लूप टर्मिनेट करके मैसेज प्रिंट कर दो नो रिप्लाई। यही टास्क है, करते हैं कंपाइलर में। बट यहां कंपाइलर में जाने से पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, ये है कॉन्सेप्ट स्कैनएफ का। अब आपको लगेगा स्कैनएफ ये तो सिंपल यूजर से इनपुट ले रहा, इसमें क्या नहीं है प्रॉब्लम आ गई। सो स्कैनएफ यूजर से इनपुट तो ले रहा होता है, बट इसकी प्रॉब्लम ये होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे जब हम लोग स्कैनएफ से वैल्यू दे रहे होते हैं तो आपको ध्यान होगा हम लोग आखिरी में एंटर दबाते हैं, तो ये जो एंटर दबा रहे होते हैं ये कहां जाता है, ये एंटर भी तो एक कैरेक्टर ही है बैकस्लैशन। तो ये जो बैकस्लैशन हम लोगों का है ये हम लोग कहां जाता है, ये हम लोगों का उसके कीबोर्ड बफर में स्टोर हो जाता है। मतलब अभी भी कुछ कंफ्यूजन होंगी, जैसे जो हम लोग नॉर्मली स्कैनएफ लिख रहे होते हैं, स्कैनएफ में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनएफ और हम लोगों का परसेंटेज डी और यहाँ पे एम परसेंट डन हो गया। जब हम लोग उस ब्लैक विंडो जो हम लोगों का आउटपुट विंडो खुल के आती है उसमें जब हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग एन में कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू जैसे 9 डाली, अब 9 डालने के बाद हम लोग वो एंटर की प्रेस करते हैं, तो ये जो एंटर की हम लोगों ने प्रेस की ये कहां जाती है, ये एंटर की हम लोगों की स्टोर हो जाती है इस कीबोर्ड बफर में। मतलब अब जब
भी वो दोबारा उसी वेरिएबल में वैल्यू लेने आएगा तो उस कीबोर्ड बफर से उसकी वैल्यू उठ के उस वेरिएबल में चली जाएगी, ये दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो बैकस्लैश एन जो है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस दिक्कत को दूर करने के लिए, बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं नया या थोड़ा डरावना कह सकते हो कॉन्सेप्ट। अब आपको देखने में पहली नजर में बहुत डरावना लग रहा होगा, मतलब ये कौन सी नई चीज आ गई, इसमें तो जोर ऑपरेटर एस्ट्रिक वेस्ट्रिक सब कुछ लग गया। बट काम इसका बहुत ही सिंपल है, देखने में तो बहुत डरावना है बट सिंपल। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि एक ये परसेंट हो गया और एक ये परसेंट हो गया, तो आप इसको किस तरीके से ट्रीट करोगे। जैसे हम लोग नॉर्मली जो अपनी स्कैनफ स्टेटमेंट होती थी उसमें क्या करते थे, जब हम लोग दो इनपुट लेने होते हैं तो हम लोग दो परसेंटेज दी परसेंटेज दी लगाते हैं दो इंटीजर इनपुट के लिए, वैसे इसको ट्रीट करो एक ये है और एक ये है, यहाँ पे दो इनपुट ही हम लोग यूजर से लेना। तो पहला वाला ये क्या टास्क करता है, पहला वाला परसेंटेज और ये बैकस्लैश एन ये बता रहा है कि जो हम लोग की वैल्यू है इनपुट स्ट्रीम पे वो जाके सी एच में स्टोर होगी। कब तक ये सी एच में स्टोर होती रहेगी, जब तक हम लोगों को बैकस्लैश एन मतलब जब तक हम लोग एंटर नहीं दबाएंगे तब तक वो वैल्यू सी एच में जाती रहेगी। अब सी एच एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, सिंगल कैरेक्टर सी एच में स्टोर होगा और जैसे तुम एंटर प्रेस करोगे वैसे ही तुम्हारा जो इनपुट लेना है वहां पे बन जाएगा। अब जैसे तुम ये एंटर प्रेस करोगे तो ये जो बैकस्लैश एन है ये उठ के कहां जाएगा, ये कीबोर्ड बफर में जाने दीजिए, बट ये जो एंटर है वो तुम्हारा कीबोर्ड बफर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट तुमने लगा रखी है परसेंटेज एस्ट्रिक सी ये सप्रेशन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या काम कर रहा होता है, ये कहता है कि तुम्हारी उस जो आउटपुट विंडो होती है मतलब जो इनपुट स्ट्रीम होती है उस पे ये दिखाता तो है कि तुम्हारा इनपुट जा रहा है बट ये उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर नहीं कराता। मतलब ये जो बैकस्लैश एन है ये लग तो रहा होगा कि वेरिएबल में स्टोर हो रहा है बट ये कीबोर्ड बफर में जाता ही नहीं है, ये वहीं से इग्नोर हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जब कीबोर्ड बफर में कोई वैल्यू ही नहीं गई तो अगली बार जब लूप घूम के या अगली बार जब तुम उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करा रहे होगे तो जब कीबोर्ड बफर में कोई वैल्यू नहीं है तो वो एक नई वैल्यू लेगा। बट अगर ये हम लोग ना लगा रहे होते तो क्या होता, वो एक नई वैल्यू ना लेने की बजाय उस कीबोर्ड बफर में जो बैकस्लैश एन स्टोर है वो ले लेता और हम लोग का प्रोग्राम जो हमको डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलता। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सिंपल सी लाइन है, देखने में बड़े डरावनी लगे बट यूज इसका बहुत इफिशियंट है, हम लोग कई जगहों पर इसका यूज करते भी हैं। सो अब देखते हैं कंपाइलर में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस प्रोग्राम को बनाते हैं। सो चलते हैं कंपाइलर में। सो हमने देख लिया कि किस तरीके से स्कैनएफ की उस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने स्कैनएफ का यूज तो देख लिया कैसे करना, अब प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहला टास्क है, सबसे पहला टास्क होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, अब हम लोगों को क्या टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना, क्योंकि चॉइस चाहिए ना यूजर से कि रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो हम लोग चॉइस नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो स्टोर करेगा यूजर की वैल्यू कि रिप्लाई आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद टास्क है, अब हम लोगों का टास्क सिंपल से यही लूप चला देते हैं, लूप में हर बार यूजर से इनपुट लेते हैं, किस चीज से इनपुट लेते हैं कि रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो अपना डू वाला लूप है, सबसे पहले डू लिख दिया। अब इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स आएंगे जो कि चलनी, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होनी थी, सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर से इनपुट लेने से पहले यूजर को बता तो दे कि क्या इनपुट देना। तो यूजर को इनपुट देना है एंटर दी चॉइस, तो हम लोग चॉइस यूजर इनपुट लेते। अब चॉइस कौन कौन सी चॉइस होनी चाहिए, या तो वो वाई प्रेस कर दे या तो एन प्रेस कर दे। अगर वाई है तो मतलब रिप्लाई आया और वाई नहीं है तो रिप्लाई नहीं आया। अब स्कैनएफ में क्या डालना, हम लोग स्कैनएफ में अपना वही वाली स्टेटमेंट पूरी लिख देते हैं, स्कैनएफ परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट फिर हम लोगों का सिंबल बैकस्लैश एन और फिर परसेंटेज एस्ट्रिक सी, ये हम लोगों का यूजर से इनपुट ले लेगा और इसके आगे एम परसेंट चॉइस। ओके, तो ये हम लोगों का यूजर से इनपुट हो गया। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद क्या करना, अब हम लोगों को कंडीशन चेक करनी कि ये चॉइस आई क्या है। अगर चॉइस जैसे हम लोगों ने चॉइस वैल्यू रख दी, अगर चॉइस इक्वल टू कैपिटल वाई है, अब कैपिटल वाई या स्मॉल वाई ये जस्टिफाई थोड़ी है, अब पता यूजर ने स्मॉल वाई डाल दी तो हम लोग स्मॉल वाई भी चेक कर लेते हैं। अगर स्मॉल वाई है चॉइस में तो क्या होना चाहिए, तो सिंपली प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन रिप्लाइड। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या टास्क है, इसके बाद टास्क है एल्स, अब अगर चॉइस यस नहीं है तो नो होगा, तो नो में हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, हम लोगों को प्रिंट कर देना है प्रिंट एफ बैकस्लैश एन नो रिप्लाई, और प्रोग्राम यही तो है हम लोगों का। बट अभी तो हम लोगों का बस डू हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट चलेंगी, कब चलेंगी, अभी हम लोगों ने कंडीशन नहीं दी। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग वाइल लगाते हैं, वाइल में हम लोगों की कंडीशन है, कंडीशन क्या है, कब तक लूप चलना चाहिए, जब तक जो हम लोगों की चॉइस है वो क्या हो, जब तक चॉइस हम लोगों की वाई रहे, जब तक चॉइस हम लोगों की वाई है तब तक चलाते रहो, या तो कैपिटल वाई हो या चॉइस जो हम लोगों की है वो स्मॉल वाई हो, दोनों में से कोई भी है तो लूप हम लोगों का चलता रहेगा। तो बस अब इसको रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सो हियर इट इज, अब हम लोगों को चॉइस डालनी है सबसे पहले, तो चॉइस हम लोगों ने जैसे वाई डाली
चल गया फिर राइट, फिर चॉइस मांग रहा है। अब यहाँ पे गलती कुछ नहीं, बस हम लोगों को वहाँ एंटर द चॉइस जहाँ लिखा था वहाँ भी बस हम लोगों को बैक सेक्शन लगा दे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब देखो फिर से वाई अगर हम डाल देते हैं, अब इस बार कैपिटल वाई डालते हैं तो क्या होता है, फिर भी चल गया। अब जहाँ लोगों ने एंड डाला प्रोग्राम स्टॉप नो रिप्लाई, तो हम लोग क्या चेंजेस कर दें, बस इसमें यहाँ पे इस प्रिंटर में एक बैक सेक्शन लगा देते हैं, जैसे हर बार देखने में वो अच्छा लगता है, हर बार लाइन बदलती रहेगी। सो हियर इट इज, अब जैसे हम लोगों ने एक बार कैपिटल वाई डाला तो रिप्लाई आ गया, फिर स्मॉल वाई डाला फिर भी रिप्लाई आ गया, फिर से स्मॉल वाई डाल देते हैं तो आएगा। अब अगर हम कैपिटल एन डालते हैं तो क्या होता है, तो नो रिप्लाई। यही तो चलना था, बस पता करना था कि सामने से रिप्लाई आया है कि नहीं आया, अगर रिप्लाई आ जाता है तो लूप हम लोग को चलता रहेगा, बातों का सिलसिला चालू हो जाएगा। सो आपने देखा किस तरीके से एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम बना दिया। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा और जरूर बताइएगा कि हम अपने कंटेंट में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और आपको इस लेक्चर के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना आखिरी इटरेटिव स्टेटमेंट यानी कि फॉर लूप देखेंगे, किस तरीके से ये इंप्लीमेंट हो सकता है और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिससे आप रिलेट कर पाए। उसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग, थैंक यू।